आइए देखिए, मैं संतोष कुमार स्वर्णकार, कैमरामैन अर्जुन चौधरी जी के साथ यहाँ दुर्गा सोरेन सेना जी का केंद्रीय अध्यक्ष विशाल वाल्मीकि जी यहाँ पर उपस्थित हैं और जिला महामंत्री संतोष सेठ जी उपस्थित हैं। आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ स्कूल उर्दू प्राथमिक विद्यालय गुहिबान को इन लोगों ने जर्जर स्थिति में देखा और देखने के बाद कब तक उम्मीद करते हैं कि ये स्कूल जो है बन जाएगा। इन्होंने अभी इस प्रोग्राम में कहा कि जो भी समस्या है हम सारे समस्या को सुलझाने का काम करेंगे। तो आइए सबसे पहले विशाल वाल्मीकि जी से जानते हैं कि कब तक इस उर्दू विद्यालय का समस्या समाधान हो जाएगा। पहले तो आप हमारे बड़े भाई हैं, आपको पहले जोहार बता देना चाहते हैं कि बागमारा विधानसभा ये एक ऐसा विधानसभा है पूरे झारखंड में जो कि सबसे टॉप विधानसभा में गिनती आता है, जहाँ तक हमको जानकारी है। और उस विधानसभा में ये इस तरह की स्थिति देखने को आज मिली है मुझे, और बहुत दुखी हूँ अंदर से। मतलब होता है ना, आदमी हिल जाना, वो हिल गए हैं हम। हमारे समाज के इतने लोग यहाँ उपस्थित हैं और इस दुख की घड़ी में हम ये लोगों के साथ हैं कि आज लगभग 5-6 साल से ये स्कूल का जर्जर स्थिति है। और ये स्कूल को अभी तक ना यहाँ के जिला प्रशासन की आँख खुली है, ना यहाँ के विधायक की आँख खुली है, ना ही यहाँ के जो बड़े बड़े अपने आप को सूरमार नेता कहते हैं उसकी आँख खुली है। और मैं इस मंच के माध्यम से कहा था और फिर अभी कह रहा हूँ, ये स्कूल को चालू कराने का काम विशाल वाल्मीकि कुछ ही महीनों में करके दिखाएगा। और यहाँ उपस्थित जिला महामंत्री संतोष कुमार सेठ जी से समझते हैं कि इनका क्या कहना है। मेरा कहना ये है कि ये जो उर्दू स्कूल है हमारे गांव का है, हमारे मोहल्ले का है, हमारे शहर का है। आज हमारी सरकार जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की है और हमारे दुर्गा सोरेन सेना जो हमारी है वो एक सामाजिक संगठन है, लेकिन दोनों अलग अलग प्रोटोकॉल पे काम करती है। हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हमारी जो मैडम हैं सीता सोरेन, जो जामा से विधायक हैं, उनसे हम लोग आग्रह करेंगे कि आप लोग का सरकार रहते हुए और हम लोगों का संगठन रहते हुए हमारी गांव की माता एवं बहनों, बच्चे, नौजवान साथियों, जो हमारे स्कूल का जर्जर हालत में भी लोग पीड़ित हैं, बहुत लोगों के पास गुहार लगाए होंगे, चाहे वो माननीय विधायक जी हों, चाहे माननीय सांसद जी हों, चाहे और भी बहुत सारे संगठन में जाकर लोग बोले होंगे, लेकिन इनकी बातों को ना सुनते हुए पार कर दिया होगा। और इन लोगों से अगला को जो फ़ायदा होगा, जैसे एक वोट का माध्यम होता है, वोट लेकर इन लोगों को पीछे मतलब क्या है किसे जो धिकारने का काम किया होगा। मैं ये बात बताना चाहता हूँ सभी माता एवं बहनों, नौजवान साथियों को कि आज हमारे युवा मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष विशाल वाल्मीकि जी जो मंच के माध्यम से गुही बांध में जो बताएं कि एक महीने के अंदर यह स्कूल का हम लोग जीर्णोद्धार करने का कार्य करेंगे, और जो हमारी जो पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं राज श्री सोरेन, जय श्री सोरेन, हम लोग उनके पास जाएंगे विशाल वाल्मीकि जी के माध्यम से और जाकर बताएंगे कि मैडम हमारे क्षेत्र में जर्जर हालत में स्कूल है, जो हमारे बच्चे लोग पीड़ित हैं, कब गिर जाएगा उससे, कभी बच्चे लोग खेलने जाते हैं ऊपर से ढलाई गिर जाएगा तो बच्चे डेट भी कर सकते हैं। इस बात को हम लोग बहुत बारीकी से देखकर अपने पार्टी के जो आला कमान हैं उनके पास मैं रखूंगा, और मैं 1 मंथ नहीं बोल सकता हूं, मैं 2 मंथ भी नहीं बोल सकता हूं, मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि आप लोग के आशीर्वाद यदि हम लोग के पार्टी और संगठन पे रहा तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि यह स्कूल जो है बनकर तैयार हो जाए और हमारे गाँव के बच्चे लोग फिर उस स्कूल में पढ़ाई करें और सुखी सम्पन्न का ज़िंदगी जिए। आइए अब जानते हैं यहाँ पर चास नगर निगम के प्रत्याशी श्रीमती जी से, इनका मैम निधि कुमारी जी से, कि यहाँ पर आए हैं दुर्गा सोरेन सेना के तरफ से, जानते हैं इनका क्या राय है।
देखिए सबसे पहले तो आज हम लोग इस सदी में हैं जहां डिजिटल ज़माना है, बच्चों को डिजिटल की सुविधा दी जा रही है कि हम सब बच्चे डिजिटल हो, नए नए चीज़ को सीखें या मतलब पढ़ाई से ऊपर उठ के अब हम लोग हमें सुविधा दी जा रही है, लेकिन सरकार के तरफ से हमें दो कमरे भी नहीं दे पा रहे वो लोग, तो डिजिटल ज़माना वो क्या देंगे हमारे बच्चों को, हमारे बच्चे फिर आगे प्रोग्रेस कैसे करेंगे। तो जो भी हो, यहाँ की सरकार हो या जो भी यहाँ के जो भी लोग हो, आप लोग भी सपोर्ट करिए कि ये स्कूल बने, आप लोग भी थोड़ा एक दूसरे को सपोर्ट करिए ताकि ये स्कूल जल्द से जल्द खड़ा हो जाए, और कोई भी संगठन आपके पास आई है तो उनको भी आप सपोर्ट करिए, तभी ये संगठन बढ़ चढ़ के आपके लिए दो कदम उठा पाएंगी। अदरवाइज़ अकेले आदमी नहीं बढ़ पाता, एक टीम होती है तभी कोई हम लोग काम कर पाते हैं। जैसे अभी आप लोग अगल बगल सब हैं तो एक मजबूती एक दूसरे को लगती होगी कि इतने 100 लोग हैं, अकेले अगर ये स्कूल को देखिएगा तो कुछ नहीं कर पाइएगा, 100 जन मिल के करेंगे तो हम एक बच्चों को स्कूल दे पाएंगे। और स्कूल के साथ साथ हम चाहेंगे सर कि आप आगे यहाँ डिजिटल सुविधा भी उपलब्ध कराई जाए ताकि बच्चे और अच्छे से पढ़ पाए और उनको जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हमें कहा जाता है कि नेट से काम करिए, नेट से वर्क करिए, है ना, तो हमारे बच्चों को वो भी सुविधा यहाँ मिलनी चाहिए। ये सभी उससे क्या होगा कि बच्चे का ये सभी काम जो है श्री दुर्गा सुरेंद्र सेना सामाजिक संगठन के द्वारा ये सब काम हो जाएगा। हाँ क्यों नहीं होगा, देखिए संगठन एक बनती है किसके लिए बन रही है, अपने लिए तो नहीं ना बन रही है, आपके लिए बन रही है, उनके लिए बन रही है, तो संगठन को आप सब भी मजबूती दीजिए और संगठन आपके लिए खड़ी है। अभी अभी देखिए कि मंच पर कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ बगल में तालाब है, इस तालाब का बहुत स्थिति खराब है, जबकि तालाब में जब पानी रहता है तो उसके माध्यम से ज़मीन का स्रोत लेयर बना हुआ रहता है, और जब तालाब भर जाएगा तो भरने के बाद सारा ज़मीन का पानी सूख जाएगा, लोगों को पानी के लिए भी दिक्कत हो जाएगा, तो क्या उम्मीद है कि ये तालाब भी साफ सौंदर्यीकरण हो सकता है? सौंदर्यीकरण का काम हमारे जो भी निगम होते हैं या यहाँ के जो मुखिया होते हैं, गांव के मुखिया होते हैं, सबसे पहली प्राथमिकता उनकी होती है कि वो अपने अगल बगल के चीज़ों पे सौंदर्यीकरण या बिजली पानी पे ध्यान दे। अगर बाढ़ नगर निगम के द्वारा हो ही जाता तो फिर यहाँ के लोग तो इस समस्या को नहीं रखते। नगर निगम के द्वारा हो ही जाता तो फिर हम लोग क्यों आते, हम लोग तो इसलिए आए हैं ताकि हम नगर निगम को भी फोर्स कर सके कि सर आप ये काम को प्राथमिकता दीजिए। देखिए आम आदमी हमेशा अपनी आवाज़ नहीं बोल पाते हैं, तो जो संगठन बनती है या जो भी पार्टी होती है वो अपनी आवाज़ को आगे लाती है, क्यों लाती है, हमारे आम जनता के लिए लाती है ना। यहाँ पर बोकारो जिला नगर अध्यक्ष भी हैं, थोड़ा सा इनसे भी जानते हैं। सर आपका इसमें क्या राय है? सर जोहार मित्रों, हमें जानकारी मिली कि विगत 6 वर्षों से यहाँ पे एक उर्दू विद्यालय हुआ करता था जो कि अभी बंद पड़ा हुआ है, जर्जर स्थिति में है। अभी स्थानीय लोगों के माध्यम से ये हमें सूचना दी गई है, और हमारे जो भी यहाँ के लोकल लीडर हैं, संजय सेठ जी हैं, इनके माध्यम से भी ये सूचित किया गया कि ये सर आपका स्कूल बंद है, यहाँ बांध की समस्या है, तो इस समस्या का समाधान हम लोग अपने संगठन के माध्यम से और हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय श्री विशाल वाल्मीकि के माध्यम से हम लोग कराने का प्रयत्न करेंगे, और इसका ज्ञापन हम लोग लेकर जो स्थानीय यहाँ के उपायुक्त महोदय हैं, स्थानीय जो यहाँ के ब्लॉक CEO हैं, उनको हम लोग ये ज्ञापन देने का अपने संगठन के माध्यम से उनको बताने का कृपा करेंगे कि ये इस तरह की समस्या है, इसको यथाशीघ्र आप निष्पादित करें। अब जानते हैं यहाँ जिला धनबाद जिला अध्यक्ष महोदय जी हैं यहाँ पर उपस्थित, इनसे भी थोड़ा राय लेते हैं। हम कितना दिन से यहाँ स्कूल बंद पड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग अपने संगठन के द्वारा DC कलेक्टर सबके हम लोग लिख के देंगे, नगर उपायुक्त के देंगे, CEO के बोलेंगे जो जल्द से जल्द स्कूल के काम करवाएं। सर यहाँ तो जिला अध्यक्ष महोदय जी का बहुत बड़ा दायित्व होगा क्योंकि ये धनबाद जिला में पड़ता है, और धनबाद जिला में यहाँ आप लोग एक संतोष सेठ जी महामंत्री हैं और आप जिला अध्यक्ष हैं, ये आप लोगों पर बड़ा दायित्व होगा, क्या कब तक उम्मीद है कि केंद्रीय नेतृत्व के पास जो है अपना समस्या को रख करके इस काम को करवाने का आप प्रयास करेंगे? देखिए यहाँ जो भी लोकल आदमी है सगरे लोग गए होंगे, अभी हम लोग के पास आए जब हम लोग मीटिंग यहाँ किए,
अपना दुर्गा सुरेंद्र सेना के तरफ से अभी हम लोग के जानकारी मिला है। तो हम लोग अपना संगठन द्वारा इसको बात अपना ऊपर रखेंगे। सीता सुरेंद्र जी है जामा विधायक, उनसे बोलेंगे। फिर हमारा जय श्री सुरेंद्र है अध्यक्ष, उनसे हम लोग अपना इसका लिख के आगे बात बढ़ाएंगे। इसके बाद अपना काम शुरू होगा। आप लोगों ने सुना कि सभी दुर्गा सुरेंद्र सेना के सभी अधिकारी महोदय और केंद्रीय अध्यक्ष महोदय और जिला नेतृत्व के महोदय जी का बात सुना आप लोगों ने। इन लोगों का कहना है कि जल्द से जल्द ये उर्दू विद्यालय, प्राथमिक उर्दू विद्यालय गोहीवान का जो है कायाकल्प होगा और यहाँ जल्द से जल्द पढ़ाई भी शुरू करवाया जाएगा। डिजिटल जितना भी सारा सेवा है ये सभी सेवा जो है यहाँ उपलब्ध कराया जाएगा और साथ ही बगल में यहाँ गोहीवान तालाब है जिसका भी सौंदर्यकरण करवाया जाएगा। ये श्री दुर्गा सुरेंद्र सेना संगठन का कहना है। जय हिंद। कैमरामैन अर्जुन चौधरी जी के साथ।